वसुधैव कुटुंबकम की अपनी परंपरा को निभाते हुए भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की है। G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों का समूह है। इसी साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के नेताओं को पत्र लिखकर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी मंजूरी समिट के पहले सत्र में दे दी गई। इसी के साथ G20 अब G21 बन चुका है और विश्व के 97 देशों का प्रतिनिधित्व अब इस समूह के द्वारा होगा। मानवता, पृथ्वी, जलवायु, प्रकृति और लोक कल्याण के संरक्षण का भारत संकल्प G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन को आसमान की ऊंचाइयों पर ले गया। सारी दुनिया भारत के इस प्रयास की सराहना कर रही है। आइए सुनते हैं US स्पोक्सपर्सन मार्गरेट मैकलॉड का इस पर क्या कहना है। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बनेंगे। अमेरिका पहले से ही उनका मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये G20 दुनिया के प्रीमियर फोरम, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े इक्तिसादी मसला हल करने के लिए, और हम इसलिए G20 2026 में खुद मेजबानी करना चाहते हैं।